निशिकांत दुबे सांसद हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। बसंत सोरेन कह रहे हैं इतना संवेदनशील मुद्दा था सर, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने संवेदनहीन यानी विवादास्पद बयान देते हुए कह दिया कि मैं तो दिल्ली गया था, मेरे अंडरगार्मेंट्स कम पड़ गए थे। सवाल उनसे दुमका मामले पे हो रहा था। देखिए, राजनीति का इतना गिरा स्तर कभी स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन लोगों के कारण हमको आजादी मिली, कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के भी विधायक और सांसद जो है प्रजातंत्र में चुनकर आएंगे, जो परिवार के नाम पर, पिता के नाम पर अपनी रोटी काटेंगे। और महिला, दो दो महिलाएं की डेथ हो जाती है, एक जला दी जाती है, एक गर्भवती कर दी जाती है, 14 साल की बेटी जो है उसको फांसी पर लटका दिया जाता है, और इस तरह का असंवेदनशील भावनात्मा से परे कोई यदि बयान देता है तो मैं इतना ही कहूंगा कि जिस दुमका की जनता ने सोरेन परिवार को अपने सर माथे पर लिया और इतने दिनों तक राजनीति की, वही दुमका की जनता, वही संथालपना की जनता सोरेन परिवार को बिना अंडर गार्मेंट के संथालपना और झारखंड से बाहर कर देगी, जैसे कि राजपक्षे परिवार को किया। लेकिन केवल ये एक आइसोलेटेड मामला नहीं, बसंत सोरेन ने ये बात कही, ये आइसोलेटेड नहीं है। मुख्यमंत्री जी का यदि बयान सुनेंगे, 2-3 दिन पहले यही कहा कि राज्य में जो है छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। कांग्रेस के विधायक का यदि रायपुर में बयान सुनेंगे, जब ये रायपुर में तफरी मना रहे थे, अयाशी कर रहे थे, तो उनका बयान है, पत्रकारों ने पूछा, एक महिला पत्रकार ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो कहा तुम्हारे घर। आप समझिए, महिला पत्रकार को कहा तुम्हारे घर, मुख्यमंत्री कहते हैं कि छोटी मोटी घटना है, और इसके बाद ये बसंत सोरेन का ये बयान। इन लोगों को राज्य से कोई मतलब नहीं है, महिला सुरक्षा से मतलब नहीं है, और मैं सारे चैनल पर एक ही बात कह रहा हूँ कि 15 मिनट इस परिवार के किसी सदस्य के साथ बैठिए, महिला सुरक्षा के बारे में रोड मैप पूछिए, आप रोजगार के बारे में रोड मैप पूछिए, झारखंड के डेवलपमेंट के बारे में रोड मैप पूछिए, कुछ नहीं पता है। एक ही चीज पता है कि ये शिबू सोरेन जी के लड़के हैं और शिबू सोरेन जी के नाम पर जितनी रोटी खा सकते हैं। और ये प्रजातंत्र के लिए सोचने वाली बात है कि कब तक परिवारवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर इस तरह के तत्वों को आप वोट देते रहे। और ये अब समय आ गया है एक प्रजातंत्र की नई व्याख्या करने का कि इस तरह के लोग यदि होंगे तो उसको कैसे निकाल बाहर कर सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसी सरकार से, निशिकांत जी, हम कैसे उम्मीद लगा के रखें जो ऐसे संवेदनशील मसले पर इतने संवेदनहीन बयान नेता लोग दे रहे हैं? कैसे ये लोग अपने राज्य में महिलाओं को सुरक्षा दे पाएंगे और जो वारदातें सामने आई हैं उसमें निष्पक्षता से जांच हो पाएगी? एकदम जांच नहीं हो पाएगी। मैं आपको बताऊं कि जो महिला लड़की, मतलब 14 साल की लड़की जो कि पेड़ पर लटकी हुई दिखाई दे रही है, उसका केस ये हो रहा है कि उसने खुद से सुसाइड कर दिया। यही नूर मुस्तफा, जिसके लिए कि पूरा झारखंड दुमका आंदोलित है और जो ट्रांसफर पोस्टिंग और केवल गिट्टी चोरी, दारू चोरी करा रहा है, यही आना है। इसके बाद लोहरदगा में घटना हो गई, इसके बाद खूंटी में घटना होगी, और जो आदिवासियों ने वोट दिया है वो आदिवासी लड़कियां परेशान हो रही हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनका बलात्कार हो रहा है, उनको जो है छेड़खानी का शिकार होना पड़ रहा है, उनको गर्भवती और सारी नाबालिग लड़कियां हैं। तो जब अपने वोट बैंक के लिए इस तरह की बातें करते हैं, जिस समाज के वो नेता हैं, आदिवासी समाज को रक्षा नहीं कर सकते, तो दूसरे की आप बात ही सोच सकते। बिल्कुल निशिकांत जी, ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत जी, टाइम्स ऑफ नवभारत को अपना समय देने के लिए।